तो आज का नया दिन शुरू हो चुका है और ये दिन शुरू हुआ है बैंडोस मालदीव्स में। बहुत अच्छी सुबह है, एकदम ब्राइट सनी मॉर्निंग है। तो बस अब हमारी शुरू हो गई है मॉर्निंग वॉक, जिम, ये सारे चोर्स डेली हम करते तो हैं ही, पर जैसे कि कभी कभी घर में बिजी हो गए तो कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। पर जब हम बाहर आए हैं हॉलीडे पे, वेकेशन पे, तो थोड़ा सा टाइम स्वास्थ्य को देना बहुत ज़रूरी है। स्पेसिफिकली अब के टाइम में जब कोविड के रहते हम सबको इसकी इम्पोर्टेंस, लंग एक्सरसाइजेस की, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की, इनकी इम्पोर्टेंस पता लग चुकी है। और यहाँ पे इतनी हरियाली है तो प्राणायाम करना तो बनता ही है। और चलिए बने रहिए इसमें मेरे साथ, आज का पूरा दिन हम क्या क्या करते हैं मैंडोज पे हम आपको दिखाएंगे। तो मिस्टर मेहता ने ये डिसाइड किया कि रादर देन गोइंग टू द जिम वी विल बी एक्सप्लोरिंग दी होटल। वॉक करते करते प्रॉपर्टी के बिल्कुल फ्रंट में आ गए हैं, जहाँ से ये पूरा ओशियन के साथ कनेक्टेड है। बहुत ही उग्र था कल तो सी, पर अभी तो लग तो नहीं रहा, पर जब हम बैठते हैं बोट में तब उसका मेन आइडिया होता है। ऐसे झोटे खा रही थी बोट पूरी तरह। और वहाँ दूर तक बने हुए हैं वो सारे, अभी हम उधर भी जाएंगे क्योंकि इन्होंने एक अपना मेजर पॉइंट बनाया हुआ है यहाँ पे होटल का, हुवन डेक। तो उस पर लिखा भी हुआ है मस्ट विजिट, तो वो जाके देखेंगे। और पूरी की पूरी वाइट बीच है उस साइड की तो। और यहाँ पे सारी स्पीड बोट्स और इनके यहाँ के जो भी यॉट हैं वो सब यहाँ पे पार्क्ड है। यहाँ पे यॉट पार्टी भी होती है, ये लोग खुद अरेंज करते हैं। अगर आप यहाँ पे स्टे में हो और आपको कोई यॉट पार्टी करनी है तो यहाँ पे प्री बुकिंग के बाद उसका अरेंजमेंट भी हो जाता है। बाकी डेली इनके यहाँ से अलग अलग टूर्स चलते हैं, जैसे आज यहाँ से जा रही है माले सिटी की फेरी, पर वो टूर सब्जेक्ट टू वेदर कंडीशंस होते हैं। अब 9 बजे की माले फेरी जा रही है, तो अगर वेदर नहीं होगा सपोर्टिव तो वो टूर कैंसिल हो जाएगा। और उसकी कॉस्ट है $75 पर पर्सन, वो मैं इंक्लूडिंग ऑफ मतलब टैक्स वैक्स इंक्लूड करके ही बता रही हूँ आपको। 3 आवर्स का टूर है जिसमें से हमें माले सिटी लेके जाएंगे, वहाँ पे हमें वॉकिंग टूर मिलेगा और फिर हम वापस आ जाएंगे बैंडोज। तो इस तरह के अलग 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 टूर्स यहाँ से डेली चलते रहते हैं। और ये रास्ता जा रहा है वाटर स्पोर्ट्स, हुवन, जिम, अब हम वॉक करते करते आ गए हैं यहाँ के पूल के पास। मतलब ऐसा नहीं है कि बीच एक्सेस है, पहले मुझे लगा कि यहाँ पूल नहीं है, पर साइन बोर्ड्स के थ्रू आइडिया हो गया कि पूल तो है प्रॉपर्टी पे। अच्छा है पूल इनका, ये डेक बनाया हुआ है इन्होंने, यहाँ पे ड्रिंक्स व्रिंक्स सर्व होती होंगी। ये है पूल और इस साइड बने हुए हैं शायद, ये सब बने हुए अलग अलग रूम के ऑप्शंस हैं यहाँ पे इस प्रॉपर्टी पे। ऑल इन ऑल 120 रूम्स हैं, तो अलग अलग कैटेगरी के हैं वो, जो भी स्टैंडर्ड बीच फ्रंट, डीलक्स बीच फ्रंट। वाटर विलाज यहाँ पे दो ही हैं, उसके अलावा वाटर बंगलो हैं यहाँ पे। वो सब अभी देखेंगे क्या है रास्ता, कहाँ से मिले उनकी एक्सेस, कैसे दिखते हैं वो। और यहाँ पे स्कूबा डाइविंग ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, तो वो प्राइसेस हमें मतलब रिसेप्शन डेस्क पे से पता करने पड़ते हैं। इनकी पूरी एक डेडिकेटेड चेन है रिया करके, तो वो सारा वाटर स्पोर्टिंग का ही ध्यान रखती है, मतलब चाहे इन हाउस वाटर स्पोर्ट्स हो या रिजॉर्ट के बाहर जाके ट्रैवल करना हो, तो वो सारा रिया करके एक ऐसे इन्होंने बनाई हुई है ब्रांच, वो देखती है, वहाँ से हमें सारे प्राइसेस और जो भी पता कर सकते हैं। वाइट सैंड बीच है और ग्रीन, ब्लू, अलग अलग शेड्स हैं वाटर के,
कहीं कहीं ग्रीन दिख रहा है, कहीं कहीं ब्लू दिख रहा है। अगर आप किसी भी तरह से स्पोर्ट पर्सन हैं और एक्टिविटीज इंजॉय करते हैं स्पोर्ट की, तो दिस इज़ अ गुड प्लेस फॉर यू, बैंडोस मालदीव्स। मेरे को ये नहीं पता कि बाकी के रिजॉर्ट्स में क्या क्या अमेनिटीज़ हैं, मैं बैंडोस की बात कर रही हूँ इन पर्टिकुलर। तो बिल्कुल मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये पूरी बड़ी सी एक फुटबॉल फील्ड बनी हुई है। और इसके अलावा यहाँ पे बैडमिंटन, लॉन टेनिस सब कुछ है, जिम है, स्टीम सोना, वाटर स्पोर्ट्स, मतलब भरा पड़े एक्टिविटीज से। तो अगर आप यहाँ आओगे तो ऐसा नहीं है कि बस खाना पीना और सोना है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। और यहाँ पे लादर प्रॉपर मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे फील्ड पे आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो आई थिंक कि इनके पास कोई वो भी कोच वोच भी अवेलेबल होंगे, जब आप यहाँ पे कुछ कुछ भी गेम खेलो, कुछ भी करो मतलब, तो आपको असिस्ट कर सके। प्रॉपर प्रोटोकॉल्स उन्होंने मेंशन करे हुए कि वो स्पाइक्स वाले जूते वूते पहने बिना नहीं जाना फील्ड में, तो ये सब। और एक और फोटोजेनिक स्पॉट, सीनिक स्पॉट इस प्रॉपर्टी का, और वो है ये लव बैंडोस। दिस इज़ डेडिकेटेड टू ऑल दोज कपल जो यहाँ पे एनिवर्सरी या हनीमून के लिए आते हैं। और आप ये देख सकते हो सब ने कुछ ना कुछ लिख के लगाया हुआ है, कौन किस डेट पे आया। दिस लुक्स क्वाइट क्यूट एंड क्वाइट रोमांटिक। और ये मेरे पीछे यहाँ पे है, ब्रेकफास्ट हो रहा है यहाँ पे। तो ब्रेकफास्ट में मैं आ गई हूँ और ब्रेकफास्ट लैविश लग रहा है मुझको देखने से, मतलब लैविश एज इन ऑप्शंस आर देयर। तो लेट्स एक्सप्लोर। और सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रूट सेक्शन से। तो फ्रूट्स में होल फ्रूट्स तो हैं ही, मतलब काफ़ी बड़े हैं, वो हम ऐसे नहीं खा सकते। और कट फ्रूट्स हैं जिसमें ऑप्शंस हैं, ऑरेंजेस हैं, वाटरमेलन है और पपाया है। तो आप ये देख सकते हैं, उसके अलावा यहाँ पे है फ्रूट कॉकटेल। दिस इज फ्रूट कॉकटेल, और उसमें डाल सकते हो आप साथ में उसके ऑप्शंस हैं वाटरमेलन सीड्स, ड्राइड प्रूनस, रोस्टेड कैश्यू नट, पम्पकिन सीड्स। तो काफ़ी सारी सीड्स ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। यहाँ पे भी फ्रेश फ्रूट सैलड भी है, और साथ में बर्शर मूजली, स्ट्रॉबेरी योगर्ट, प्लेन योगर्ट, ये सब है। और फिर है टी एंड कॉफ़ी ऑप्शंस के लिए फुल क्रीम, नो सॉरी, ये टी एंड कॉफ़ी के लिए नहीं है, ये सीरियल्स के लिए है। तो सीरियल्स के लिए हॉट मिल्क फुल क्रीम एंड सॉरी कोल्ड मिल्क फुल क्रीम और स्किम्ड मिल्क दोनों ऑप्शन है, ऐसा मिल लेना है। और ये है एल्पेन मूजली, कॉर्नफ्लेक्स, कोको क्रंच, फ्रॉस्टीज, राइस क्रिस्पीज एंड स्पेशल कैलॉग्स। तो काफ़ी सारी ऑप्शन हैं यहाँ पे मूजली की और सीरियल्स की। फिर उसके बिल्कुल ठीक साथ में बना हुआ है ये टी एंड कॉफ़ी बार। और फिर हम आगे अगर आ जाएंगे तो मेन ब्रेकफास्ट, पर उससे पहले फिर ये सारा ब्रेड सेक्शन है। यहाँ पे ओट मील ब्रेड है, मल्टीग्रेन है, ब्राउन है, और उसके अलावा प्लेन सैंडविच वाली ब्रेड भी है। और उसके साथ में सारा एक्सटेंसिव बेकरी सेक्शन है जिसमें है फ्रूट केक, ब्लूबेरी मफिन, और भी बहुत कुछ है। ये है शुगर कोकोनट मफिन, डोनट है, सॉरी शुगर डोनट यहाँ पे भी है। तो मतलब बेकरी की भी एक्सटेंसिव ऑप्शन है, उसके अलावा सारे बटर्स, जैम, ये सब है टू एड ऑन योर ब्रेड। न्यूटेला, ये न्यूटेला का भी पूरा अच्छा से उन्होंने
डिस्पेंसर लगाया हुआ है. देन दिस इज पीनट बटर, फ्रेश पीनट बटर यहाँ पे लिखा हुआ है. दिस इज क्रीमी एंड दिस इज क्रंची, वो दी ऑप्शंस. और फिर ये क्रोजा की वैरायटी देखो आप, आमंड रोल है वो, दिस इज प्लेन क्रोजा, दिस इज ब्लू ग्रीन क्रोजा और फिर से ब्रेड. ब्रेड के लिए उन्होंने दो जगह पे सेपरेट, जो काफ़ी पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा क्योंकि गर्मी है. ये ब्रेड के लिए मैं आपको बता दूँ दो जगह इन्होंने लगा रखी है कि रश हो जाएगा तो उस केस में. ये तो था बेसिक. अब आज हम आ जाते हैं तो यहाँ पे है बीफ सलामी और चिकन सलामी इस तरह से है. और फिर अगर आपको सैंडविच खुद से लगाना है तो उसके लिए ये देखिए, स्लाइस टोमेटो, स्लाइस कुकम्बर एंड ग्रेटेड कैरेट. तो ये आप अपने आप से अपना सैंडविच लगा सकते हैं. और फिर अगर आपको इसकी सैलेड बनानी है, अगर आप सैलेड बनाते हो, सलामी डालते हो, तो उसमें ऐड करने के लिए ड्रेसिंग है, ऑलिव ऑयल है, बाल्समिक विनेगर है, मैरिनेटेड ऑलिव्स ब्लैक, मैरिनेटेड ऑलिव्स ग्रीन, तो ये सब भी अवेलेबल है. और साथ में चीज़ की पूरी प्लेटर. अब अगर हम मेन डिशेस की बात करें कि यहाँ पे मेन डिशेस में क्या है, तो ये है वाइट ओट पॉरेज, बबलिंग वॉट, और फिर उसके साथ है वेजिटेबल फ्राइड राइस, स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स, चाइनीज से टच खाना अगर आपको थोड़ा सा, तो और है बेक्ड बीन्स. तो बेक्ड बीन्स भी है, टूना करी. वाओ, डिलीशियस लग रही है मुझको टूना करी, काफ़ी खूबसूरत लग रही है देखने में. और एक एक है कॉपी फाई मशूनी, ये टूना, दिस इज ऑल्सो टूना फिश है ये भी, अच्छा स्क्रम्बल्ड है सारी, ठीक है. और इसके अलावा है चपाती. तो ये तो है यहाँ पे मेन्स. इसके अलावा है लाइव काउंटर एग का, जैसे भी आपको बनवाना हो अपने लिए, ये है लाइव एग काउंटर. अब आ गया है साउथ इंडियन टच, और ये है वेजिटेबल उपमा, बहुत ही डिलीशियस लग रहा है, मेरे मुंह में सच में पानी आ गया देख के. और फिर उसके अलावा लास्ट में यहाँ पे है स्क्रैम्बल्ड एग, हैश ब्राउन पटेटो, बीफ सॉसेजेस, और लास्ट में है चिकन बेकन. और फिर मतलब अभी लास्ट नहीं हुआ है, उसके बाद भी यहाँ पे एक पैनकेक का लाइव काउंटर है जिसमें ऑप्शंस हैं ये सारी, चाहे तो आप मेपल सिरप डालिए, चाहे उसमें चॉकलेट सिरप, चाहे स्ट्रॉबेरी. और फिर से यहाँ पे भी एक टी एंड कॉफ़ी का सेक्शन बना हुआ है, और साथ में है जूसेस आई थिंक. हाँ सब केंड ही लग रहे हैं मुझको, सब जूसेस का भी. तो ये है बैंडोज का ब्रेकफास्ट, जो कि बहुत ही बड़ा मतलब लैविश अरेंजमेंट है. और उसके अलावा मैं आपको बता दूँ सीटिंग भी काफ़ी बड़ी है. यहाँ पे तीन प्रॉपर हॉल्स हैं, हेलो, यहाँ पे तीन प्रॉपर हॉल हैं जिसमें ब्रेकफास्ट के लिए आप बैठ सकते हो. तो और लोग अब यहाँ पे आना शुरू हो ही गए हैं एक्चुअली ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि मेरे को अभी भी अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कंटिन्यू करनी है एंड आई एम स्टिल नॉट डन विद दैट. ओके, करूँगी प्राणायाम और उसके बाद थोड़ी देर रिलैक्स करके फिर आऊँगी ब्रेकफास्ट पे. तो मैं अब आ गई हूँ हुवन डेक पे, जिसको यहाँ का मोस्ट आइडियलिक प्लेस फॉर सनसेट माना जाता है एट बैंडोज आइलैंड रिजॉर्ट. तो मैं वहाँ पे सनसेट तो नहीं, पर अभी जो सुबह की जो ठंडी ठंडी हवा है और जो एनवायरनमेंट है, अभी धूप नहीं है, वो सब इन्जॉय करने यहाँ आ गई हूँ. यहाँ से व्यू देखो आप, पानी का रंग देखो कितना साफ पानी है, पूरी ज़मीन दिख रही है,
और ये जो स्टोन्स लगे हुए हैं इससे तो और भी खूबसूरत लग रहा है, पूरा टापू लग रहा है ना ये। वाह, और इसी हुवन डेक के बिल्कुल पास है यहाँ के वाटर विलास। मतलब इतनी पास नहीं है, थोड़ी सी दूर तो है, पर अगर आपने वाटर विला में स्टे लिया हुआ है तो आपको जो नियरेस्ट रेस्टोरेंट बैंडोज में पड़ेगा वो होगा हुवन। तो वो सामने देखिए, मेरे बिल्कुल ठीक पीछे जो हट्स दिख रही हैं वो हैं वाटर विलास बैंडोज के। वैसे तो वो भी क्लोज्ड है, दे आर अंडर रेनोवेशन। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी लोग ट्रेनिंग ले रहे थे स्नॉर्केलिंग की, तो उनका सेशन स्टार्ट हो गया। यहाँ पे सेशन के लिए भी आपको एक दिन पहले प्रायर बुकिंग करानी है, ऐसा नहीं है कि आपने आज गए सेशन बुक कराया और हो गया। मतलब मैं पर्टिकुलरली बैंडोज की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे आपको पहले से एक दिन पहले बुकिंग करानी है। जैसे आप आज ही मुझे कल के लिए बोल रहे हैं तो कल भी आफ्टरनून सेशंस हैं, तो वही क्योंकि फ्राइडे है तो कल अर्ली मॉर्निंग में यहाँ पर सेशन नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें पता करनी पड़ती है रिज़ॉर्ट पे आने से पहले। या तो एक एक्सटेंसिव मेल भेज के आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, और या इस तरह से जैसे हमारी वीडियो है इसमें हमने कोशिश तो की है मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन कवर करने की, तो इस तरह की वीडियो देख के भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। सन यहाँ पर बहुत ही एक्सट्रीम है, इतना ज़्यादा आँखें चौंधे आ जाती हैं कि मैं क्या बताऊँ। मुझे अब अफसोस हो रहा है कि मैं सन मतलब ग्लासेस लेके क्यों नहीं निकली, सनशेड्स लेके। सुबह सुबह मेरे को लगा कि क्या अभी इतनी सुबह सनशेड्स लगाऊंगी तो सब सोचेंगे इसको मतलब सुबह सुबह सनशेड्स लगा लिए, पर आंखें खुली नहीं रही हैं। और अब तो अभी 9:30 हुए हैं और पूरा चमकता हुआ सूरज है, तो सनस्क्रीन खूब सारी ढेर सारी लगा के आइएगा, इतना बहुत तेज़ सूरज है यहाँ पर। तो लेके आइए कम से कम SPF 40 और 50 का तो अराउंड ज़रूर लाइएगा, नहीं तो बुरी तरह से सनबर्न हो जाएगा आपको पहले दिन ही मालदीव्स पहुंचने के। और कोई भी चीज़ ये मत सोचिए कि हम ये जाके वहाँ ख़रीद लेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिजॉर्ट्स में अगर शॉपिंग अवेलेबल है तो भी बहुत महंगी है, सारी की सारी शॉपिंग आपको USG में करनी पड़ती है। तो जो भी चीज़ अगर आप वहाँ से 100 रुपये की ख़रीदोगे इंडिया से, मतलब चलो मैं सनस्क्रीन तो नहीं आएगी 100 में, अच्छी तो 400-500 की आएगी, पर वो अगर आप यहाँ ख़रीदोगे तो पहले तो आपने USD कन्वर्जन के चार्जेस भरे, और फिर वो भी महंगी खरीदी, तो अल्टीमेटली वो यू विल लैंड अप बाइंग अ प्रोडक्ट फॉर अ मच मोर हायर कॉस्ट। तो इसलिए जो जो प्रोडक्ट्स हैं अपने साथ में लेके आओ रिसर्च करके। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने नोटिस करी है कि आप ये आपके आपको मेरे पीछे दिख रहे होंगे, ये यहाँ पे बीच को क्लीन कर रहे हैं, यहाँ पे लोगों ने स्नॉर्केलिंग की तो ये इसको क्लीन कर रहे हैं। तो जितने भी ये रिजॉर्ट्स हैं, ये प्राइवेटली जितने भी रिजॉर्ट्स इन आइलैंड्स को ओन करते हैं, ये अपनी बीचेस को खुद ही सेल्फ क्लीन करते हैं, तो इसीलिए इनके एक्सपेंडिचर सारा टूरिस्ट को ही पे करना है। ये सब चीज़ें हमारे इनके एक्सपेंडिचर की हमारे रूम प्राइसेस में और फूड में हर चीज़ में इंक्लूड हो जाती है।